बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा देती है। ऐसे वुहान वायरस से लड़ने में जब एक समुदाय विशेष के धर्म गुरु अड़ंगा डालते हुए दिखाई दिए और लाख अनुरोध और कार्रवाई करने के बाद भी कई मस्जिद बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे, तो जावेद अख्तर ने सुझाव दिया कि यदि धर्म विशेष के लोग सरकार की बात नहीं मानना चाहते तो कम से कम देवबंद के दारुल उलूमी फतवा जारी कर दे। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कहा, एक स्कॉलर और माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व चेयरमैन ताहिर महमूद साहब ने दारुल उलूम देवबंद से एक फतवा जारी करने को कहा है कि जब तक वुहान वायरस का संकट है तब तक सभी मस्जिदों को बंद किया जाए। मैं इस मांग का पूरा समर्थन करता हूँ। अगर काबा और मदीना में मस्जिद बंद की जा सकती है तो भारतीय मस्जिदें क्यों नहीं। जावेद अख्तर का ये ट्वीट तब आया है जब देश में सरकारी आदेशों के बावजूद मुस्लिम वर्ग इसकी अवहेलना कर रहा है। बता दें कि वुहान वायरस के भारत में कुल मामलों में कल एक अप्रत्याशित उछाल आया था। दिल्ली में मरकज भवन से 24 मरीज वुहान वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके कारण पूरे निजामुद्दीन क्षेत्र को सील कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने मरकज के मौलाना के खिलाफ फिलहाल FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने बयान में कहा, हमारी जानकारी में आया है कि निजामुद्दीन मरकज के प्रशासकों ने वुहान वायरस से संबंधित लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन किया और अब कई सारे पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। इस संस्था के प्रशासकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दारुल उलूम देवबंद ने भी योगी सरकार को चिट्ठी लिखते हुए कहा है, संकट की इस घड़ी में देवबंद दारुल उलूम देश की जनता और सरकार के साथ खड़ा है। दारुल उलूम की ग्रैंड ट्रंक रोड के पास दारुल कुरान वाली बिल्डिंग है। अगर सरकार चाहे तो उस बिल्डिंग को आइसोलेशन वार्ड बना सकती है। सच कहें तो वुहान वायरस एक ऐसी महामारी है जिसने किसी में कोई फर्क नहीं किया है, परंतु कुछ विशेष धर्म के लोग ना तो संविधान को मान रहे हैं और ना ही सरकार के किसी आदेश को। वास्तव में सभी लोग देश के संविधान से ऊपर अपने धर्म या मजहब को रखते हैं। अगर इन्हें कोई समझा रहा है तो उसके खिलाफ ही ये लोग एकजुट हो जाते हैं। ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि वुहान वायरस एक गंभीर समस्या है और आज अपनी धर्मांधता के चक्कर में वे दूसरे लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में जावेद अख्तर का ट्वीट भले ही कुछ लोगों को अटपटा लगे, परंतु समय के हिसाब से जनाब ने सही सुझाव किया है। पर कुछ लोगों को सही बात इनके धर्म के खिलाफ ही लगती है।